ट्रेन से उतरे गोरखपुरिया भौजी के पास डायरेक्ट पहुंच गए। ये कौन है गोरखपुरिया भौजी? स्टार है। किस चीज का स्टार है? यूट्यूब स्टार। यूट्यूबर है। अच्छा अच्छा, तो क्या कहने उसके घर गई थी? गए थे कि कोई सपोर्ट मिल जाए, तो उनको पति बैठे हुए थे बाहर में, तो राम सलाम भी किए, कुछ नहीं बोले, और ऐसे बोले कि जा रहे थे चाय पिया यार, डिस्टर्ब कर दिया। तो हम लोग बोले भैया से भाभी से मिला दीजिए। तो नहीं नहीं, भाभी यहाँ नहीं है। तो भाभी मतलब ब्लॉकर थोड़ी है जो ऐसे ऐसे छोटा मोटा काम करती है ऐसे। तो हम लोग को बहुत दुख लगा कि मतलब दो मिनट समय दे। कौन कौन था आपके साथ? हम थे, हमको पति, मतलब तीनों थे हम लोग। अच्छा, हाँ। बिहार के गया से आयल बाटी? हाँ, तब ये गया जिला से आयल। पहले अपने पति को भगा भी दी थी और मीडिया में बहुत ज्यादा शोर हुआ था, और फिर उनको लेके आई भी, इनाम भी रखी थी, ये सब चीजें हम देखे। मंडी गोरखपुरिया भौजी के बात करे थे कि जोन अपने पति के इज्जत ना करेला। बहन बतावत हथिन कि वो अपने पति के भगा दे लिए ब्यूज पावे खातिन। अब वो पति के फिर इनाम रखल ब्यूज पावे खातिन, पति वापस अल। और बाद भी एक महिला है और अपने पति के इज्जत ना करेल, कौन महिला और कैसन स्टार हो है? अभी भी रोना आ गया, रो रहे थे, तो बगल में बोले लोग कि क्या हुआ क्या नहीं, तो हमने बोला ऐसी ऐसी बात है, तो लोग बोले कि वैसी है ही, जो भी लोग मिलने आते हैं जो है कि अपने पति का भी कोई वैल्यू नहीं देती, कोई वैल्यू नहीं देती है, ये खुद से अलग सोचती है अपने आप को, मैं बहुत बड़ी सुपर स्टार हूँ, मेरे पति कुछ नहीं है, कुछ मैंने। नमस्कार, प्रणाम, सस्त्रिया काल, अदाब, गौर लागता नहीं। हमारा नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, हम पहुंचे चौधरी ऑफिशियल, इनके चैनल का नाम बा, और ये बिहार के गया से आयल बाटी। हाँ, तब ये गया जिला से आये, यहाँ मिलने के लिए आए थे विष्णु राय से और गोरखपुरिया भौजी से। तो सबसे पहले तो गोरखपुरिया भौजी के फर्स्ट बार आता था, तो गोरखपुरिया भौजी के पास गए, तो मतलब सवेरे वो ट्रेन से उतरे गोरखपुरिया भौजी के पास डायरेक्ट पहुंच गए। ये कौन है गोरखपुरिया भौजी? स्टार है। किस चीज का स्टार है? यूट्यूब स्टार। यूट्यूबर है। अच्छा अच्छा, तो क्या कहने उसके घर गई थी? गए थे कि कोई सपोर्ट मिल जाए, तो उनको पति बैठे हुए थे बाहर में, तो राम सलाम भी किए, कुछ नहीं बोले, और ऐसे बोले कि जा रहे थे चाय पिया यार, डिस्टर्ब कर दिया। तो हम लोग बोले भैया से भाभी से मिला दीजिए। तो नहीं नहीं, भाभी यहाँ नहीं है। तो भाभी मतलब ब्लॉकर थोड़ी है जो ऐसे ऐसे छोटा मोटा काम करती है ऐसे। तो हम लोग को बहुत दुख लगा कि मतलब दो मिनट समय दे। कौन कौन था आपके साथ? हम थे, हमको पति, मतलब तीनों थे हम लोग। अच्छा, तीनों थे हम। तो ऐसे बहुत बुरा लगा कि इतना दूर से आए, गाड़ी भाड़ा लगा के, अब भूखे प्यासे आए, मतलब कुछ भी नहीं पूछे। और हम लोग तो ऐसे वहाँ से हो गए, बोले ना कि भैया ठीक है, अगर जो गोरखपुरिया भौजी नहीं आए तो आप थोड़ा वीडियो लॉन्ग बना दीजिए। तो बोल रहे नहीं नहीं, हम लॉन्ग नहीं बनाएंगे, हम शॉर्ट बनाएंगे, हम लॉन्ग नहीं बनाएंगे वीडियो। तो शॉर्ट बना दिए वीडियो, और बोले कि जाओ यहाँ से। फिर गाड़ी के मतलब यहाँ कोई साधन नहीं है, यहाँ से जा सकती है। तो हम बोले ना कि भैया से थोड़ा सुतर नहीं बोलेंगे ना, बोले ना कि कोसी भरने का ही है मामी के घर पर। तो हम मन में लगाए कि मामी तो मतलब पूछती नहीं है, तो मामी के घर पे हम फिर नहीं सवाल किए, हम वहाँ से चल दिए। तो बैठ के बगल में चाय पिए, चाय पिए, तो जैसे चाय पी के निकले ना, जैसे देख रहे हैं गोरखपुरिया भौजी मुंह धोते हुए और वीडियो पोस्ट किए। तो कितना झूठ बोले, हम लोग कितना दूर से आए, दो मिनट समय देने में क्या हो जाता है। वह गोरखपुरिया भौजी जो घमंडी गोरखपुरिया भौजी हो गई, आपकी बतावत तटी जो बिहार से उनकर फैन, उनका मित्र बन करके उनके घरे आवता, और घरे आ करके उनसे मिलल चाहतिया, और ये इतनी घमंडी हो गई लिया कि लोगन से मिलत ना आया। अरे कौन स्टार हो गए? स्टार तो यह जनता बनौले बा, यह उनकर फॉलोवर और सब्सक्राइबर ही बढ़ौले बाटे। अब उनसे मिले आवत या तो इतना बड़ा स्टार बन जाती है कि लोग बिहार से चल करके गोरखपुर आवत, अगर हमारे घरे के हुए अनजान व्यक्ति आ जाला, अतिथि देवो भव, यह हिंदुस्तान है, यहाँ पे अतिथि भगवान के समान होला, ओकर सेवा करे के चाहे और ओकर खातरदारी करे के चाहे। इनाये है कि जब वो जीरो रह लिया, कुछ ना रह लिया, गाली गुप्ता दे के आज स्टार बन लिया, और अपने के ओकर पति कहता कि हमारी पत्नी स्टार ही है और तुहन पचन से ना मिली। अरे कोने तरीके की स्टार हो, गाली गुप्ता देव वाली कहाँ स्टार बन जाएगी। और आज बेचारी की इनके आत्मा के कष्ट पहुँचल है कि हम बिहार से चल करके गोरखपुर आईली, और गोरखपुर जब उनसे मिले के गुहार लगौली, तो उनका पति कहता हमार पत्नी स्टार है, तो घमंडी कहाँ के स्टार हो गए लोग। और ओके, यह जनता सबक सिखाए, और एक और भी यूट्यूबर बाटी नहीं हो बेचारी गोरखपुर से आयल बाटी, उनसे ही जनता ले। नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार सभी को।
और मैं हूँ ज्योति सरोज लाइफ, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो हम बताना ये चाहते हैं, जो ये बोली है वो सही है, और इससे पहले भी हम एक बार और मिलने गए थे उनसे, जो कि जब हम मिलने उनसे गए तो उनके हम द्वार पे पहुंचे, वो भी हम ऐसे उनके गांव में साधन नहीं जाते सबसे पहली चीज, तो हम लिफ्ट मांग के बच्चे जा रहे थे स्कूल के बच्चे, तो उन लोगों से लिफ्ट मांगा और हम गए, तो वो मतलब गेट पे खड़ी थी, मिली अपने सीढ़ी से उतर के नीचे आई तब तो मिली, तो हमने कहा कि भाभी नमस्ते, और हम दूर से आए, उनके लिए मिठाई उठाई लेके गए थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने तुरंत क्या जवाब दी कि क्या है बताइए, हमने बोला कि थोड़ा सा वीडियो मेरे आ जाइए और आपसे मिलने आए हैं, हाल चाल पूछने आए हैं, तो बोली कि क्यों मिलने आई हमसे, हम नहीं मिल सकते, हम तो ऐसे वैसे लोगों से नहीं मिलते हैं, सीधा बोली। हम कहें कि क्या है गोरखपुरिया भौजी है क्या, कहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद से हमें दुख लगा बहुत ज्यादा, तो वो नहीं मिली और बोले कि बहुत लोग आते हैं हमसे मिलने, मतलब सबसे मिलते चले हम, और ऐसे ऐसे लोग बहुत आ जाते हैं और आप चले जाएंगे, ठीक है। हमने बोला कि आपका कहाँ जा रही है, वो बोली हम कहीं जा रहे हैं, हमने बोला आपका वेट करते हैं, शाम तक वेट करेंगे, वो कहीं है कि मेरे घर पर जगह नहीं है, ठीक है। तो जब वो चली गई तो बगल में हम जाके थोड़ा सा हमको रोना आ गया, रो रहे थे तो बगल में बोले लोग कि क्या हुआ क्या नहीं, तो हमने बोला ऐसी ऐसी बात है, तो लोग बोले कि वैसी है ही, जो भी लोग मिलने आते हैं वो नहीं मिलती है, ऐसे बता देती है। इतनी बड़ी घमंडी हो गई है, हाँ इतनी बड़ी घमंडी है। और दूसरी चीज हम देखते हैं वीडियो पे कि बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं जाना चाहिए मिलने। कभी आप उसकी वीडियो को गौर से देखी है, किस तरह की वीडियो बनाती है? हैं और कैसी वीडियो बनाती है? बैड वीडियो रहता है, मतलब अच्छा नहीं रहता, प्लस दूसरी चीज मुझे पहले लगा अच्छा है, ठीक है, बाद में जब हम देखे वीडियो अच्छे से देखते गए तो मुझे लगा कि ये इस वीडियो में, मतलब जो ये वीडियो बनाती है, बहुत सारे वीडियो है कि अपने पति का वे कोई वैल्यू नहीं देती, कोई वैल्यू नहीं देती है, ये खुद से अलग सोचती है अपने आप को, मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ, मेरे पति कुछ नहीं है। कुछ महीने पहले अपने पति को भगा भी दी थी और मीडिया में बहुत ज्यादा शोर हुआ था, और फिर उनको लेके आई भी, इनाम भी रखी थी, ये सब चीजें हम देखे। अच्छा, पति को क्यों भगाया? वो थोड़ा सा वीडियो वायरल होने के लिए ना, इज्जत। भैया हो घमंडी गोरखपुरिया भौजी के बात कर रहा था कि जोन अपने पति के इज्जत ना करे ना, बहन बतावत हती कि यो अपने पति के भगा दे लिए ब्यूज पावे खातिर, अब उ पति के फिर इनाम रखले ब्यूज पावे खातिर, पति वापस अला, ओकरे बाद भी एक महिला है और अपने पति के इज्जत ना करे लू, कौन महिला और कैसन स्टार हो है? अभी भी बात करा वसंत कबीर नगर में अहिले का मकसद हम जानते हैं। अभी पहली चीज हम ये बताना चाह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी के बारे में हमें दुख ये हो रहा है कि हम उनसे जब मिलने गए तो क्यों, मतलब हम ही से ना वो वायरल हुई है, हम ही जनता से, हम लोग ऐसे ऐसे हैं, मतलब जनता लोग हैं। अगर आप वीडियो उसका नहीं देखते तो वायरल कैसे होती? नहीं देखते तो वायरल कैसे होती? लेकिन अगर हम दूर से चल के दूसरे से लिफ्ट मांग के उनके द्वार पे जा रहे हैं कि थोड़ा सा मिल लीजिए, तो क्या उनको ऐसा, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझ रहे हैं? अगर स्टार भी है तो क्या मिल नहीं सकती हम लोगों से? बिना भक्त भगवान का हो, जब भक्त ना रही है तो भगवान का महत्व कहाँ रही? बिना भक्त के भगवान कहाँ और बिना सब्सक्राइबर के महान कहाँ? अगर यूट्यूब पर घमंडी बन गई बाटू कि नन्ना पचंद के देन है, अगर ये तुम्हारे वीडियो देखती नहीं तो तू स्टार कैसे हो तू? और हर आदमी का सम्मान करे चाहिए, मानव का जीवन मिलल बा तो जे भी तो दरवाजे पे आवता ओके सम्मान से बैठावे के चाहिए, लोगन के पानी पियावे के चाहिए। और आज बहन का दर्द जब घमंडी गोरखपुरिया के हम करतूत तो सुन ली है, तो हमारो भी और गोरखपुरिया के जल्दी ही लाइन पे कभी लेगा तो उनके बताई कि वो आज स्टार कैसी बन गई, जब जनता ना आई रहल, जब आदमी देखे वाले पर वीडियो ना रहता तो स्टार कैसी हो जाते? इन्हीं के वजह से बेचारी जाता थी, मिठाई ले जाता थी और 2 मिनट मांगत है तो उनके पास समय नहीं बा।